अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और यहाँ पे मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे अपने कुछ ईद के ड्रेसेस हैं, और भी लूँगी इंशाल्लाह, वो भी शेयर करूँगी। तो ये जो जो स्टिच थे वो भी हैं, और जो स्टिच होके आया है वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो होप सो कि आपको पसंद आए। और चलें फिर मैं वीडियो की तरफ चलती हूँ, डिटेलिंग की तरफ चलती हूँ, आपको वन बाई वन ड्रेसेस की डिटेल देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो ड्रेस है ये है खुदा बख्श का, और ये मैंने स्टिच लिया है। इसका फैब्रिक जो है वो बहुत खूबसूरत है, ये देखें बहुत लाइट सा है। और ये आगे जो है वो लेस लगी हुई है धागे वाली, और इसके गले पे बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये देखें इस तरह की आपको लेसेस भी होप सो कि मिल जाएं। ये देखें टसल्स कितने खूबसूरत हैं, और ये भी इस तरह पूरा क्रोशिया जैसे हुआ होता है, बहुत खूबसूरत ये। और बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस है, इसके जो दामन हैं वो इस तरह का धागा वाइट और ब्लैक में कंट्रास्ट करके धागे वाली लेस लगाई हुई है इस तरह। और ये जो है इसका गला है बिल्कुल राउंड में। आप चाहें तो ये डिज़ाइन कॉपी करके, इस तरह की लेसेस मिल जाती हैं ईज़िली शॉप से, आप ले सकते हैं। और ये देखें इसके आगे कितनी खूबसूरत इसकी जो बाजू वो इस तरह के हैं, खुले वाले सही बनाए हुए अम्ब्रेला टाइप। और जो इसकी बैक है उस पर सिर्फ जिप लगाई हुई है। इसका ब्लैक प्लेन ट्राउज़र है, और ये इसके टसल्स हैं ये देखें। और ये ड्रेस है, ये इसकी फुल लुक है जी। एक मिनट में आपको बताती हूँ, ये देख लें ये इसकी फुल लुक है। और इसका जो दुपट्टा है वो इस तरह वाइट है नेट का, ये देखिए। ये यहाँ पे फिर जो शर्ट के दामन पे लगी हुई लेस वो फिर पलुओं पे लगाई हुई है, और बीच में ये सारी डॉटेड नेट है ये देखिए। और ये साइडों पे भी फिर उस तरह लेस लगाई हुई है बुंदी टाइप, वो जो कुरेशी से करते हैं लाइक, किस तरह का कुछ लग रहा है मुझे। और ये देखिए गला बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हुआ कि जो एक ड्रेस जो स्टिच लिया है, और ये तकरीबन लिया था 7000 का। और इसका जो ब्लैक ट्राउज़र है वो अभी सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता दूं। तो चलें जो अब मैं दूसरा ड्रेस है वो मैं दिखाती हूँ, वो है एथनिक का, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये ड्रेस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलें मैं दूसरा ड्रेस आपको दिखाती हूँ। दूसरा जो है वो ये वाला ड्रेस है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड खूबसूरत। इसका जो फैब्रिक है वो कुछ सिल्क टाइप है ये देखें। और ये फुल लॉन्ग शर्ट है एयरलाइन ये देखें, और एयरलाइन शर्ट के नीचे शलवार बनाई हुई है। तो ये देखें इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें कैसा है ये ड्रेस मुझे बताएं। और ये मतलब एयरलाइन शर्ट बनाई हुई, तो इसकी साइडों पे कलियां दी हुई हैं, और इस तरह का इसका बटन लगाए हुए गले के आगे। ये भी बोर्ड शेप में आगे कट लगा के, ये गले बहुत ज़्यादा इन हैं, तो इस तरह फिर ये गला बनाया हुआ है। बाजू जो हैं वो इसके नॉर्मल हैं, बाजू पे भी फुल कढ़ाई है। कढ़ाई जो है वो कपड़े के साथ की है, जैसा कपड़े का कलर है वैसे कढ़ाई का कलर भी है। और जो शलवार है वो इस तरह की है ये देखें, इस्त्री ख़राब हुई भी है इनकी, अब एक ही दफ़ा इस्त्री किए जाएंगे। तो ये देखें नॉर्मल सा पैंचा है नीचे, और ये यहाँ पे इस तरह जिप लगाई हुई है। आप चाहें तो ये खोल भी सकते हैं, और ना तो फिर ऐसे बंद करके पहन लें। ये देखें अंदर की तरफ जिप है पैंचे में, और ये भी इसी तरह प्यारा सा ऊपर से चुन्नटें दे के स्टिच की हुई है शलवार, ताकि नीचे उस तरह एक फ्लेयर सी आए, प्यारा लगे। तो ये हो गया दूसरा ड्रेस, और इसके ऊपर सेम इसी कलर का शिफॉन का दुपट्टा है। और अब मैं तीसरे ड्रेस की डिटेल देती हूँ जो ख़ुद बनवाया है। ये है जी थर्ड वन, जो कि अनस्टिच मैंने लिया था बोनेंजा से, 3000 का ये ड्रेस है। अच्छा वो एथनिक वाली की प्राइस मैं बताना भूल गई, एथनिक वाला जो है वो भी मैंने 7000 का लिया था टू पीस। खुदा बख्श वाला भी 7000 का लिया था एथनिक वाले में, और ये बोनेंजा वाला ये अनस्टिच है। अभी इसके ये बटन्स लगने रहते थे, लेकिन मैंने कहा चलो बटन्स नहीं लगाती क्योंकि वो फिर टूट जाते हैं फैंसी बटन। तो अभी भी देखें इसके साथ ये लगी हुई है टेलर की स्लिप, इसको हटा देती हूँ। और ये बड़ा खूबसूरत ये कलर लग रहा था,
और आजकल ये बोनांजा पे मैं कल भी गई थी, इस तरह के प्रिंट वाले बड़े उनके पास आए हैं। तो ये दामन है, दामन पे ये सारी ड्रेसेस इन्होंने साथ दी हुई थी। ये एक्सपेंसिव ड्रेस था बट सेल में बहुत रीज़नेबल 3000 का मिल गया। तो ये फिर इस तरह ये सारे दामन पे लगवा के और इसी तरह शलवार की पट्टी लगवा दी थी दामन पे। ये सारा जो है ना धागा वर्क है। और फिर ये गला आ गया, आ गया गला भी इसी तरह लॉन्ग में है। ये देखें इसके मतलब अगर इस तरह पट्टी दी हुई हो तो इस गले के अलावा इसका कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि बंदा डिज़ाइन चेंज करवा दे। और ये इसके बाजू हैं और जो इसका ट्राउज़र है वो मैंने प्लाजो रखवाया है, सही खुले पैंचों वाला, बिल्कुल स्ट्रेट है, खूबसूरत है ये भी बहुत। दुपट्टा तो इसका बहुत ही खूबसूरत फैंसी सा है। ये देखें लाइट गोल्डन और मैट का कंट्रास्ट है। इसके नीचे मैसूरी लगवा के इस तरह थोड़ा स्कोर फैंसी कर दिया है। और ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है, ये मुझे 4000 में पड़ गया। 3 का मैंने ड्रेस लिया हो और 1000 जो वो मैंने सिलाई दे दी। ये जो पैच वगैरह थे इनके उन्होंने अलहदा पैसे लिए थे, 1000 सिर्फ सिलाई के हैं, इसके 400 बने थे वो अलहदा लिए थे, लेकिन अच्छा ड्रेस बन गया मेरा। तो आपको ये मेरी ईद कलेक्शन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं ईद के फर्स्ट डे कौन सा ड्रेस पहनूँ, इसके अलावा भी इंशाल्लाह जब मैं शॉपिंग पे जाऊँगी, अभी मैंने जूते लेने हैं, बच्चों के कपड़े लेने हैं और भी ड्रेसेस लेने हैं, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ शॉपिंग कीजिएगा। मेरी इंशाल्लाह मैं ब्लॉग बनाऊँगी उस पर पूरा। और तो ये आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर तो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।